अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अवैस खटक, आई एम बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एट मकान सॉल्यूशंस। आपका सफ़र प्लॉट से घर तक। आज की वीडियो में आपको नोवा सिटी के कमर्शियल कैटेगरीज़ के प्लॉट्स के हवाले से डिटेल्स दूंगा। नोवा सिटी में 15 दिसंबर 2021 को कमर्शियल कैटेगरीज़ के प्लॉट्स लॉन्च हुए, जिसमें 4 मरला और 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स थे। इनकी प्राइसेस की अगर हम बात करें और इसकी डायमेंशन की बात करें, तो 4 मरला की जो डायमेंशन है वो है 30x30, यानी कि 900 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर यार्ड आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम 8 मरला की बात करें, तो 8 मरला कैटेगरी का जो प्लॉट है उसकी डायमेंशन बनती है 40x45, और इसकी अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करें तो ये आपका 1800 स्क्वायर फीट बनता है और 200 स्क्वायर यार्ड बनता है। इसी तरह इसके अगर हम प्राइसेस की बात करें, तो नोवा सिटी में कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसी तरह इसकी प्राइसेस भी ये फर्स्ट प्राइसेस हैं, या इसको आप प्री लॉन्च प्राइसेस भी कह सकते हैं। अब प्री लॉन्च प्राइसेस का फ़ायदा क्या होता है कि ये सोसाइटी में सबसे मिनिमम प्राइसेस होती हैं, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जब सोसाइटी अपनी लैंड पे डेवलपमेंट करती है, उसी हिसाब से उसके रेट भी बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट उसके रेट्स लॉन्च होते हैं, सेकंड या थर्ड रेट सो ऑन, वो इससे फर्स्ट रेट से ऑब्वियसली महंगे ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें चार मरला कैटेगरी का जो प्लॉट है कमर्शियल प्लॉट, उसकी टोटल पेमेंट 60 लाख है, जिसको आप 20% डाउन पेमेंट दे के यानी कि 12 लाख में वो करवा सकते हैं। इसी तरह जो 8 मरला का प्लॉट है उसकी टोटल प्राइस 1,20,00,000 है, जिसको आप 20% डाउन पेमेंट दे के 24 लाख में बुक करवा सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो मैं कमर्शियल कैटेगरी के बायर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि अगर आप 4 मरला या 8 मरला का कमर्शियल कैटेगरी का प्लॉट लेते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप जस्ट एक 4 मरला पीस ऑफ लैंड खरीद रहे हैं। इन फ्यूचर जब आपको पोजेशन मिलती है, जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक 4 मरला के प्लॉट पे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मोस्टली जो एक्सपेक्टेडली देखा जाता है नॉर्मली सोसाइटीज़ में, वो एक 4 मरला कैटेगरी के प्लॉट पे ग्राउंड प्लस 3/4 आपको बनाना अलाउड होता है। विच मीन्स कि एक आपकी बेसमेंट हो जाती है ग्राउंड फ्लोर प्लस 3/4, तो टोटल 4 मरला के प्लॉट पे आप 5 फ्लोर आपके हो गए। 5 फ्लोर मीन्स 5 × 4 = 20, आपके पास टोटल एक कनाल की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आ जाएगी। अब उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रेंटल इनकम रिसीव करते हैं, तो बजाय 4 मरला के आपको एक कनाल की रेंटल इनकम रिसीव होती है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। इसी तरह अगर हम 8 मरला के कमर्शियल की बात करें, तो 8 मरला पे नॉर्मली ग्राउंड प्लस 6/4 अलाउड होते हैं, विच मीन्स कि आपको टोटल 8 फ्लोर अलाउड हो गए। 8 फ्लोर का मतलब क्या है, 8 × 6 = 48, तो आपको टोटल 48 यानी कि 2.25 कनाल की रेंटल इनकम रिसीव होगी, विच इज़ आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा जो नोवा सिटी के कमर्शियल कैटेगरीज़ के प्लॉट हैं, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ उसकी लोकेशन। नोवा सिटी बिल्कुल ही डी ए खान हकला इंटरचेंज, जिसे आप कह सकते हैं डी ए खान हकला मोटरवे कहते हैं, या सी पैक रूट, उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी, क्योंकि अभी इस वक्त सी पैक रूट पर प्रॉपर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आपकी आमदराफ शुरू नहीं हुई है, जिस फुल पर्पस के लिए बनाया गया था। लेकिन जब विद पैसेज ऑफ टाइम इन नियर फ्यूचर इस पर ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होगा, इस पर इंपोर्ट्स आपकी स्टार्ट होंगी, उस वक्त इस सोसाइटी की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बूम आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, इसकी प्राइसेस, चूँकि नोवा सिटी में कमर्शियल प्लॉट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, तो ये इनकी फर्स्ट प्राइसेस हैं। अगर आप अभी फर्स्ट प्राइसेस पे प्लॉट लेते हैं, तो विद इन नियर फ्यूचर जब सोसाइटी में सेकंड या थर्ड रेट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो उस टाइम पे लोग फर्स्ट रेट वाला प्लॉट लेना ही पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो उसकी प्राइस सेकंड या थर्ड रेट से कम होगी, और दूसरी उसकी इंस्टॉलमेंट भी सेकंड थर्ड रेट से कम होगी। थर्ड थिंग, इट्स NOC। इसका NOC अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। बहरहाल इन्होंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन LOP वगैरह वो सबमिट करवा दी है गवर्नमेंट में, और जल्द ही एक्सपेक्टेड है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप बात करें, तो आपको यही कहते हैं कि विद इन नियर फ्यूचर इसका NOC भी आ जाएगा। जिस NOC आने के बाद किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में राइज आता है, तो जो लोग पहले NOC आने से पहले उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको इसी रिस्क का रिवॉर्ड मिलता है कि उन्होंने NOC आने से पहले ही उस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था। NOC आने के बाद जो प्राइसेस में राइज आता है, उससे वो बहुत अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ इट्स डेडिकेटेड इंटरचेंज। इसका CPAC रूट के बिल्कुल एडजेसेंट होना विद इन 0 किलोमीटर के रेडियस, ये एक बहुत अच्छी लोकेशन देता है, और इसके साथ साथ CPAC पे इसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज बनने जा रहा है, जो कि सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें पता लगा है कि इसमें इन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन और लैंड क्लियरेंस वो गवर्नमेंट को दे दी है। अभी इन नियर फ्यूचर
गवर्नमेंट इस पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में मज़ीद इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ देता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, वो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे के बिल्कुल एडजेसेंट है। अगर हम उसके बात करें तो जब वो वहाँ पे एक्सप्रेसवे से उनको डेडिकेटेड अंडरपास या इंटरचेंज नहीं मिला था, एक्सेस नहीं मिली थी, तब वहाँ पे एक चार कनाल के फार्म हाउस की प्राइस जो थी वो 1.5 करोड़ तक थी। जब उनको इंटरचेंज मिला, उनको एक्सेस मिली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से, तो वहाँ पे एक चार कनाल के फार्म हाउस की प्राइस 1.5 करोड़ से जाके 3.5-4 करोड़ तक पहुँच गई, विच इज़ 150+ इंक्रीज इन द प्राइसेस। इसी तरह आप नोवा सिटी में भी अगर आज इन्वेस्ट करते हैं, कल को जब इसका अंडरपास या इंटरचेंज बनेगा, तो उसमें इसी तरह आपकी प्राइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जी तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह नोवा सिटी के हवाले से अगर आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए या इसी तरह किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको कोई डिस्कशन या कोई भी डिटेल चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे रابطہ कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.makansolutions.com को आप विज़िट कर सकते हैं और मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।